Assalamualaikum class, I am a mathematician and it's a message. Today we are going to do period number 28 and 29. So first of all, marks will be date and day. Now students, open page number 19. Today we are going to start our next chapter, chapter number 2, factors and multiples. In this unit, students will learn to use divisibility test for 2, 3, 5 and 10 on numbers up to 5 digits. Differentiate between prime and composite numbers. List factors of a number up to 50. List the first 12 multiples of one digit number. Differentiate between factors and multiples. Factorize a number by using prime factors. Find common factors and multiples of two or more two digit numbers. Find the HCF of two or more two digit numbers using a Venn diagram and prime factorization. Find the LCM by common multiples and prime factorization. Solve real life problems involving HCF and LCM. Students, इस chapter में हम सीखेंगे कि हम कैसे divisibility test for 2, 3, 5 and 10 को use करेंगे up to 5 digit numbers और difference देखेंगे prime and composite numbers के दरमियान और factors of a number up to 50 तक हम बनाना सीखेंगे और one digit numbers के first 12 multiples भी देखेंगे हम कैसे बनाते हैं और difference देखेंगे factors और multiples के दरमियान. नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे हम एक नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स को यूज़ करते हुए और कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स दो और दो से ज़्यादा टू डिजिट नंबर्स के लिए हम फाइंड करना सीखेंगे. नेक्स्ट हम दो और दो से ज़्यादा टू डिजिट नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे वेन डायग्राम और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को यूज़ करते हुए. फिर हम सीखेंगे कि हम एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं किस मेथड से बाय कॉमन मल्टीपल्स एंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. और फिर हम देखेंगे कि हम अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में एचसीएफ और एलसीएम को कैसे इन्वॉल्व करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज मैथ्स फ्लैश. यू हैव ऑलरेडी लर्न टाइम टेबल्स हमें अच्छी तरह आते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हमने देखा था टू आइडेंटिफाई इवन एंड ओड नंबर्स कि हम इवन एंड ओड नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो हमने देखा था इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स जो एंड किस में होते हैं 2, 4, 6 and 8 और ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर ऑलवेज एंडेड विद 1, 3, 5, 7 or 9 और जो इवन नंबर्स होते हैं वो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 होते हैं जबकि ओड नंबर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 नहीं होते थे. डेट इवन नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. फॉर एग्जाम्पल 8 कैन बी अरेंज्ड एज. अब वो कह रहे हैं कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते थे जिन्हें हम जब पेयर्स में अरेंज करते थे ना तो कोई भी उनका रिमाइंडर नहीं रहता था. रिमाइंडर हमने क्या पढ़ा था ऐसा नंबर जो बच जाता था लेफ्ट ओवर नंबर को हम रिमाइंडर कहते थे. फॉर एग्जांपल 8 को 8 की जब हम पेयरिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं जैसे 2, 4, 6 and 8 ये सारे क्या हैं ऊपर नीचे हैं पेयर्स में है. और इनमें कोई भी जो बॉक्स है ना वो अनपेयर नहीं है लेफ्ट ओवर नहीं है तो इसका क्या होगा कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा. तो 8 क्या है एक इवन नंबर. नेक्स्ट डेट ऑड नंबर्स कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर्स एज दे ऑलवेज लीव आ रिमाइंडर. ऑड नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी पेयर्स में अरेंज नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उनका जो होता है ना नंबर का उसका हमेशा रिमाइंडर रह जाता है लेफ्ट ओवर नंबर जो होता है वो रह जाता है. फॉर एग्जाम्पल 9 कैन बी अरेंज एज 2, 4 ठीक है ना ये 2 boxes 6 और फिर ये 2 boxes 8 और ये जो एक लेफ्ट ओवर रह गया ये क्या हो गया 9. सो अगर कोई भी जो है वो बॉक्स अनपेयर्ड रह गया जैसे 2 है फिर उनका पेयर फिर ये इनका पेयर लेकिन इसका जो ऊपर है वो कोई बॉक्स नहीं ये अनपेयर्ड रह गया तो ये क्या है रिमाइंडर है. सो ये क्या हुआ 9 एक ऑड नंबर हुआ. नेक्स्ट इज की वोकैबुलरी. की वोकैबुलरी में हमारे पास डिविजिबिलिटी है प्राइम कंपोजिट फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम एचसीएफ भी कहते हैं मल्टीपल्स हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने चैप्टर में इन सारे पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ेंगे. आज हम इनकी बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इन आवर की वोकैबुलरी इज डिविजिबिलिटी. इट इज़ द एबिलिटी टू डिवाइड अ नंबर कम्प्लीटली विद नो रिमाइंडर. Divisibility
एक ऐसी एबिलिटी है जो एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है और कोई भी जो रिमाइंडर है उसका नहीं बचता. फॉर एग्जाम्पल 34 इज़ डिवाइजिबल बाय 2. 34 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 17 जा 34, 34 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 0. अब इसका कोई भी जो है वो रिमाइंडर नहीं आया, सो 34 इज़ डिविजिबल बाय 2. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम. अ प्राइम नंबर और प्राइम हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इट्स सेल्फ. प्राइम और प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक उसका फैक्टर हो 1 और दूसरा उसका फैक्टर क्या हो, वो खुद. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है 2, तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक तो हो 1 और दूसरा क्या हो, 2 खुद. तो उसको हम क्या कहेंगे ऐसे नंबर को, कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, या इसे हम प्राइम भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपोजिट. कंपोजिट मींस मेड अप ऑफ सेवरल और मैनी डिफरेंट पार्ट्स. कंपोजिट का मतलब होता है कि जो नंबर डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनाओ. नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. इफ़ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मींस टू से कि कंपोजिट नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 1 पर एग्जैक्टली डिवाइड होता हो और खुद पर भी एग्जैक्टली डिवाइड होता हो और इसके अलावा भी किसी नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, मतलब कि उसका कोई रिमाइंडर ना आता हो डिवीजन के बाद, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर. फॉर एग्जांपल 9 इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 1, 9 एंड 3, मतलब कि 9 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है एक तो 1 से और एक वो खुद पर भी एग्जैक्टली डिवाइड होता है 9, और इन दोनों के अलावा भी वो एक नंबर पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है 3 पर, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स. नंबर्स विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर्स लिविंग नो रिमाइंडर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर. कहते हैं ऐसे नंबर्स जो एक गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और कोई भी रिमाइंडर जो है वो लीव नहीं करते, सो उनको हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4. अगर हमें एक नंबर गिवन है जो 4 है और हमने उसके फैक्टर्स को फाइंड करना है, तो जितने भी नंबर्स हैं जो 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे और 0 रिमाइंडर उनका आता होगा, वो क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 4. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमने 4 को डिवाइड किया 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4, और रिमाइंडर क्या आया, 0. जब मैंने 4 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 2, और रिमाइंडर क्या आया, 0. जब मैंने 4 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर क्या आया, 1, और रिमाइंडर क्या आया, 0. सो 1, 2 और 4 क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 4, क्योंकि ये 4 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और इनके जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0. नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइम फैक्टर्स. अ फैक्टर डेट इज़ अ प्राइम नंबर. ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 एंड 5. अब 3 और 5 जो हैं वो 15 के प्राइम फैक्टर्स कैसे कहलाए, बिकॉज जो 3 और 5 हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स. और हमने पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा अ नंबर इटसेल्फ, मतलब कि अगर 5 है तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक 1 और एक 5, और 3 है तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक होगा 1 और दूसरा क्या होगा, 3 इटसेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इट इज़ डोनेटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय HCF. HCF इज फाउंड बाय फाइंडिंग ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स एंड सेलेक्टिंग द लार्जेस्ट वन. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम HCF भी कहते हैं. HCF को फाइंड इस तरह किया जाता है कि अगर हमारे पास 2 और 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन है, हम सबसे पहले उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उनके कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं, और कॉमन फैक्टर्स में से जो लार्जेस्ट वन होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 8 और 12 जो हैं 2 नंबर्स गिवन है और हम कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 8 जो हैं वो हैं 1, 2, 4 एंड 8, और फैक्टर्स ऑफ 12 जो हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. सो इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 8 के फैक्टर्स में भी है और 1 क्या है, 12 के फैक्टर्स में भी. नेक्स्ट 2 और 2, ये भी दोनों कॉमन है फैक्टर्स हैं. 4 और 4 भी दोनों कॉमन फैक्टर्स हो गए. सो अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 वो क्या हो गए, 1, 2 एंड
4। अब इनमें इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, हमारा HCF। सो 1, 2, और 4 में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, वो है 4। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल्स। अ मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। कहते हैं कि मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो किसी भी दूसरे नंबर के साथ अगर डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर होता है ना वो ज़ीरो होता है, वो कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम्पल 100 इज़ डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आया 10। जब हमने 100 को डिवाइड किया 10 से तो हमारे पास आंसर आया 10 और रिमाइंडर क्या आया 0। जब हमने 1000 को डिवाइड किया 100 से, 1000 इज डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 10, तो आंसर हमारे पास क्या आया 10। और जब हमने 10,000 को डिवाइड किया 1000 से, व्हेन 10,000 इज डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आया हमारे पास 10, रिमाइंडर 0। सो 100, 1000 एंड 10,000 आर मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 100, 1000 और 10,000 किसके मल्टीपल्स हुए, 10 के। नाउ द लास्ट वन इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इट इज डोनेटेड एंड रिप्रेजेंटेड बाय LCM। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम LCM से रिप्रेजेंट करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर्स को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कॉमन नंबर होता है किसका, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ बोथ ऑफ द नंबर्स, जो कि मल्टीपल हो दोनों नंबर्स का। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ टू नंबर्स हैं, एक है 4, दूसरा है 6। सबसे पहले हमने मल्टीपल्स और 4 को फाइंड आउट किया, विच इज़ 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 6, 12, 18 एंड 24। अब हमने जैसे HCF में कॉमन फैक्टर्स देखे थे, यहाँ पे हम कॉमन मल्टीपल्स को देखेंगे। 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है 12 और 12, और दूसरे हैं 24 और 24। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर 12 एंड 24। अब इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा ना, वो हमारा क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो LCM ऑफ 4 एंड 6 इज 12। जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारा LCM। सो इट्स डन फॉर आवर टुडे क्लास। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर क्लास।